जिस व्यक्ति को पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था सौंप देनी चाहिए, जिस व्यक्ति ने 5 साल के अंदर करिश्मा करके दिखा दिया, मौजूदा रवायती पार्टियां 70 साल में जो काम नहीं कर पाई, और जिस व्यक्ति ने वो काम करके दिखा दिया कि सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, इस देश के गरीब बच्चों को भविष्य दे दिया, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और फिर ये अनर्गल बातें कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए, पूरे शिक्षा व्यवस्था प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई जो भी पार्टी हो, पार्टीबाजी करने थोड़ी, देश का विकास करना है। मनीष जी बैठिए, हमें बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक करें, ये होना चाहिए था। ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, सारे समाज नाराज हैं, राजपूत भी नाराज हैं, ब्राह्मण भी नाराज हैं, बनिए भी नाराज हैं, एससी भी नाराज हैं, एसटी भी नाराज हैं, अमीर भी नाराज हैं, गरीब भी नाराज हैं, औरतों भी नाराज हैं, आदमी भी नाराज हैं, सब नाराज हैं कि मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से सताया जा रहा है। उनको अब 3-4 दिन में इनको गिरफ्तार कर लेंगे, गिरफ्तार, एक मिनट, गिरफ्तार करने का क्या नतीजा होगा? 3 महीने 4 महीने तक शिक्षा व्यवस्था सफर करेगी? किसके फायदे में है ये? पूरा केस फर्जी है, किसको फायदा होगा? हम काम रुकने नहीं देंगे, लेकिन थोड़े दिन के लिए बाधा तो पहुंचेगी, इससे देश का भला होगा क्या?